खबर है रायपुर की, जहां जांजगीर पुलिस विभाग द्वारा स्मारक प्रांगण रक्षित केंद्र में शहीद स्मृति दिवस के पावन उपलक्ष्य में देश के प्रति स्वयं को न्योछावर अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जी हां, इस मौके पर शहीदों के परिवारों को सम्मानित किया गया एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आपको बता दें कि आज शहीद स्मृति दिवस है और इस पावन उपलक्ष्य में जांजगीर पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार पुलिस रक्षित केंद्र में शहीद स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसके सहित परिवार के सदस्यगण भी मौजूद रहे तथा वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बहुत खुशनसीब होते हैं वह माता पिता जिनके पुत्र ने अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए अपना फर्ज निभाकर जान न्योछावर की हो। उन्हीं की बदौलत देश में शांति और अमन रहती है। आज जब शहीद स्मृति दिवस में जब शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और उनके परिवारों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, शहीद पुत्र के पिता को गौरवान्वित होते देखा गया। उनकी आंसू में भी अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण के भाव झलक रही थी। निश्चित ही बहुत ही भाग्यवान होते हैं वह माता पिता जिनके पुत्रों ने देश के प्रति अपने आप को न्योछावर किया हो। शहीद स्मृति दिवस में शहीदों को श्रद्धांजलि देकर सभी जवानों ने अपने कर्तव्य का पालन कर शपथ निभाया। आज 21 अक्टूबर का दिन है और 21 अक्टूबर को पूरे देश में जितने भी हमारे पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, अपने कर्तव्य की वेदी पर मातृभूमि की रक्षा के लिए और हम सब लोगों के लिए काम करते हुए, तो आज के दिन को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जांजगीर के पुलिस परेड मैदान में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हम सब लोगों ने जितने भी शहीद पुलिस के जवान हैं उनको नमन किया, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की। निश्चित रूप से जो भी जवान शहीद हुए हैं उनको हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ये कार्यक्रम का हेतु और उद्देश्य मुझे जो लगता है कि वर्तमान पीढ़ी को मालूम हो कि काम करते करते अपने कर्तव्य की वेदी पर हमारे ये पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, आने वाली पीढ़ी को जानकारी हो कि पुलिस के जवान हमारे लिए काम करते हुए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए काम करते हुए वे उनकी शहादत हुई है, तो एक समाज को संदेश देना, समाज को जानकारी होना ताकि उनकी शहादत जो है वो अक्षुण रहे, स्थायी रहे। मैं पुनः पुलिस के सभी शहीद जवानों को नमन करता हूँ, उनके श्री चरणों को प्रणाम करता हूँ। और आज हमने शहीद परिवारों से भी मुलाकात किया, शहीद परिवारों का भी हम लोगों ने सम्मान किया है। 21 अक्टूबर को ये शहीद पुलिस शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसमें पूरे वर्ष में अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग फोर्सेस में जितने भी पुलिस कर्मी शहीद होते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। इस वर्ष टोटल 292 अधिकारी और कर्मचारी शहीद हुए हैं और जो कि ड्यूटी के दौरान ये इन्होंने इस शहीदी अपनी पाई है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये अवसर उपयोग किया जाता है, जो कि आज पुलिस लाइन में सभी ने मिलकर अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करी है। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपड़ी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।